Big Boy Network. कैसे हो दोस्तों, प्रकृति की महान किताब में सबका स्वागत है। ये किताब सारे जानवरों के बारे में है और हर पाठ में भालू साहब आपको हम में से एक जानवर की कहानी सुनाएंगे। करनी चाहिए। अरे आज बहुत काम है, चलो चलो जल्दी करो। अरे चलो चलो चलो। अरे जल्दी करो। क्या हो रहा है? चलो चलो जल्दी चलो, बहुत मजा आएगा। भालू साहब की कहानी सुननी है, चलो शायद आज हमारी कहानी सुनाए। भालू साहब की कहानियाँ बहुत ही मजेदार होती हैं। बिल्कुल हमारे तरह। कहाँ है वो? वही होगा अपने शहद और मधुमक्खी वाले पार्ट में। जानते हो ना कितना खाता है? कितनी देर हो गई, कहाँ है वो? वो आ गया है। पूछना बंद करो। अरे वाह, सब आ गए। आज हम प्रकृति की महान किताब का एक और पाठ खोलेंगे। आज की कहानी है यानी कि एक अदिला की। थोड़े बहुत अंडे चुराऊंगा मैं यहाँ से। वो क्या है अदिला, वहाँ पर बेटी है अंडों के साथ। हाँ हाँ मजा आएगा। तुम्हारे अंडे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, क्या मुझे एक अंडा दोगी? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें अपना अंडा दूंगी? क्योंकि अगर तुमने मुझे अपना अंडा नहीं दिया तो मैं उधर चढ़ूंगा और तुम्हारे सारे अंडे खाऊंगा। बचाओ बचाओ, रंग भी मेरे सारे अंडे खाना चाहता है। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ बचाओ बचाओ। सब होशियार हो जाओ, सब होशियार हो जाओ। क्या बात है, लोमड़ी मुझे धमका रहा था। बस सुरक लोमड़ी, हम उसे अभी दिखाएंगे। दोस्तों दोस्तों, चिड़िया मुसीबत में है। क्या हुआ क्या हुआ? दोस्तों दोस्तों, उसने चिड़िया के घोंसले पर हमला कर दिया है। चिड़िया जी, लोमड़ी ने मेरे सारे अंडे तोड़ दिए। क्या नहीं? वो मुझे ये खत बहुत दिनों से भेज रहा था। पंछियों, अगर तुमने मुझे अपने अंडे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर तोड़ दूंगा और तुम्हारे अंडे सारे खा लूंगा। तुम्हारा चाहने वाला लोमड़ी। क्या नहीं, उसने हमको समझ के क्या रखा है। हम उसे एक अंडा भी नहीं देंगे, हम सब एक साथ लड़ेंगे, उसे दिखाएंगे। क्या, हम उसके साथ कैसे लड़ेंगे? हम पंछी हैं, पंछी लड़ने के लिए नहीं बने हैं। इससे बेहतर होगा कि हम किसी और जगह घोंसला बना लेंगे। नहीं, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी। मैं भी नहीं निकलूंगी। हम लड़ेंगे उसके साथ। चलो, बहुत सारा काम करना है। हम तेज लकड़ी लाएंगे और उसके लिए गड्ढा बनाएंगे। चलो चलो चलो, नहीं इसमें बहुत खतरा है, हम उसे नहीं लड़ पाएंगे। ये क्या है? अदिला, अगर तुमने मुझे एक अंडा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सारे अंडे तोड़ दूंगा और साथ में तुम्हारा घोंसला भी, तुम्हारा प्यारा लोमड़ी। क्या नहीं,
लगता है मुझे यहाँ से कहीं दूर भागना होगा। रुको रुको, भागो मत भागो मत। सब लोग सुनो, अदीला भाग गई। सब लोग सुनो, अदीला भाग गई। उधर मुझे एक गुफा दिख रही है। ये एक अच्छी जगह है छुपने के लिए। वो यहाँ से चली गई थी, यहाँ से चली गई थी। लगता है ये जगह सुरक्षित ही होगी। मैं यहाँ पे सुरक्षित रहूँगी क्योंकि लोमड़ी यहाँ पे नहीं पहुँच सकती। हाँ हाँ, तुम यहाँ सुरक्षित हो और शुक्रिया अपने अंडे यहाँ लाने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें अपना अंडा नहीं दूंगी। मुझे अपना एक अंडा दे दो अगर तुम सुरक्षित रहना चाहती हो। हे, वापस आओ वापस आओ, कहाँ जा रही हो? रुको रुको, ये अंडे मुझे दे दो, मुझे दे दो ये अंडे। भाग के कहाँ जाओगी, मैं तुम्हारे अंडे खा कर ही रहूंगा। हमने ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं दिखा दे रही है। हम उसे ढूंढ लेंगे लेकिन हम पहनेंगे फंदा बनाएंगे। चलो 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 चलो। ताजा ताजा चिड़िया के बच्चे। ओ मेरे बच्चों, माँ के पास आओ, माँ के पास आओ। माँ देखो, लोमड़ी बचाओ, बाहर निकलो वहाँ से। होशियार खबरदार, होशियार खबरदार, लोमड़ी आ रही है, सब छुप जाओ। चलो हमला करो। अरे ये मेरे पीछे क्यों पड़ गए? हमला 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 हमला। ए भाग जा यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ो, मेरे पीछे क्यों पड़ गए? यहाँ से भागना ही ठीक होगा। चलो मैं पानी में कूद जाता हूँ। कहाँ गया वो, उसे हम अभी सबक सिखाएंगे। अरे ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मुझे कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी छुपने के लिए। अब हमको पता चल गया है ये डरपोक है। तुमने सही कहा, हम सब ने एक साथ काम किया और उसे भागने पर मजबूर किया। पहले पहले हम उससे बहुत डर गए थे, अब हम उससे नहीं डरेंगे। ये लोमड़ी कहीं बस छुप गई है, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। वो कहीं भी हो सकता है, सब सामान के रहना और दोबारा ना आए। चलो अब हम अदीला को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। अगर मैंने पहले अदीला को ढूंढा तो मैं उसके सारे अंडे खाऊंगा। अदीला अदीला तुम कहाँ हो? हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। अदीला कहाँ हो सकती है? पता नहीं वो कहाँ चली गई। लोमड़ी कभी भी आ सकता है। चलो 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 उसे ढूंढते हैं। ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मैं अकेले ही महफूज हूँ। Thank you.
अरे इसे अभी कोई क्यों नहीं दिख रहा? मैं भी बाहर आ गया। ओ मैं तुम्हें कभी भी लौटने की हाथ में नहीं दूंगी। अरे वो कहाँ हो सकती है, मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ, मेरे नाजुक पैर भी दुखने लगे हैं। अरे वाह, अदीला के घोंसले की परछाई, वो यही कहीं होगी। वो रही, वो वहाँ पर है, मैंने उसे ढूंढ लिया। वाह कितना मजा आ रहा है, मैंने उसे ढूंढ लिया। हे अदीला, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? अपने पुराने दोस्त को हेलो नहीं कहोगी अदीला? मैं तो सोचता था कि मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, पर तुम्हारे दोस्त वुडी ने मुझे बताया कि तुम कहाँ हो, उसने मुझे यहाँ का पता दिया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। क्या ये क्या है बोल रहा है, ये अपने आप को ज्यादा ही चालाक समझने लगा है। ए अदीला, हम पुराने दोस्त हैं, बस तुम मुझे अगर एक अंडा दोगी तो मैं दोबारा तुम्हें कभी और कुछ नहीं मांगूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैंने उसे एक अंडा ले दिया तो मेरे सारे अंडे खा जाएगा। अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं ऊपर आऊँ तो जल्दी से एक अंडा इधर फेंको, जल्दी करो। क्या तुम सच में दोबारा नहीं आओगे? मैंने पहले ही बोला, अब मैं कितनी बार बोलूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ मिल गया अंडा, शुक्रिया मेरे पड़ोसी अंडे देने के लिए। तुम्हारे यहाँ नहीं आना। कितनी बेवकूफ है वो। इसके बाद मैं इससे दो अंडे मांगूंगा और उसके बाद मैं इससे सारे अंडे ले लूंगा। कितना मजा आएगा उल्टी। इससे पहले मैं बात कुछ सोचूं, पहले मैं इस अंडे को खा लेता हूँ। सब लोग यहाँ सुनो, मैंने लोमड़ी को देख लिया, वो काली है, क्या कर रहा है? पता नहीं, वो यहाँ से चल रहा था। हमें होशियार रहना होगा, वो यहाँ नहीं आना चाहिए। दर्द हो रहा है तुम्हारे अंडों से, मुझे दर्द हो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने वादा किया था कि तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। ऐसी बात नहीं है, बस वुड पेपर ने मुझे दावत पर बुलाया था, उसके जन्मदिन पर, मैंने वहाँ पर बहुत सारा खा लिया, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है पेट में। यहाँ आने की क्या जरूरत है? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था। तुम्हें लगा मैं डॉक्टर के पास नहीं गया? मैं डॉक्टर के पास गया था और उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे अंडे खाऊं, उसी से मेरा ये दर्द भाग सकता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सारे अंडे दे दूं? नहीं नहीं, बस तीन ही अंडे दे दो। भूल जाओ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तो रुको, मैं उधर ही आता हूँ, रुको तुम। नहीं यहाँ नहीं आना, तुम जीत गए। अरे वाह, कितना मजा आता है जब मैं जीत जाता हूँ। रहम करो, अंडों से चूजे आने ही वाले हैं, मैं तुम्हें तीन अंडे नहीं दे सकती। चलो अब मैं मान ही लेता हूँ, चलो एक ही अंडा दे दो, अब मैं ही बोलना कि मैं बेरहम हूँ। अरे नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक अंडा चाहिए जल्दी। मुझे एक अंडे की कुर्बानी देनी ही होगी बाकी अंडों को बचाने के लिए। अरे इसमें से तो चूजा निकला, चलो इधर आओ। ना बचाओ। अरे नहीं, ना मुझे बचाओ। यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? ये मैंने इसे पकड़ लिया। मुझे ऐसे अच्छी जगह ढूंढनी होगी।
मुझे और कहीं जाना होगा अपने अंडों को बचाने के लिए। एक अंडे से क्या होगा, मुझे कोशिश करनी होगी उसके सारे अंडे खाने की। मैंने तरकीब सोच ली है। क्या वो कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वो देखो, मैंने उसे ढूंढ लिया। मैं दुआ करती हूँ कि वो यहाँ कभी ना पहुँच पाए। भूख लग रही है। अरे नहीं, ये वापस आ गया। ये वापस कैसे आ गया? अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा था। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें बहुत सारे अंडे खाने ने, लेकिन एक अच्छा इंसान होने के बावजूद मैंने एक ही अंडा लिया। अब नहीं लगता है कि मुझे मैं बच पाऊंगा। ये मुझे क्या हो रहा है, लगता है मैं मर जाऊंगा। मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ। कर सकती। अरे वाह, क्या लोंडी आंखें में भर गई। चलो मैं देखती हूँ। ओह, मैं यकीन नहीं कर सकती। चलो मैं देखती हूँ। ये तो सच में मर गया है। कितना मजा आ रहा है, ये तो सच में मर गया है। कहते लोमडी, तुम्हें अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। बड़ी खुशी हो रही थी मेरे मरने पर। तुम्हें पकड़ लिया, अब मजा आएगा। मैं तुम्हारे सारे अंडे लूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि एक ही अंडा दे दो। खो रही थी मेरे मरने पर। मैं खुश नहीं हो रही थी, मुझे बहुत दुख था। अब जाओ और मेरे लिए अंडे दो। जाओ अपने घोंसले तक, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें अपना अंडा दूंगी। अरे लोमड़ी तो वहाँ है। अरे वो अदिला पकड़ लिया है, हमें उसे बचाना होगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। क्या अपना नाटक बंद करो और जल्दी से मुझे अंडे दे दो। क्या कर रही हो, जल्दी अंडे दो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, एक एक करके सबको खाऊंगा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रहम करो, रहम करो, रहम करो। हमला 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 हमला। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। ये लग खोल दिया, ये लग खोल दो। छोड़ो मत इसे, छोड़ो मत इसे, छोड़ो मत इसे। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। तूने मेरा नहीं माना। अगर हम एक साथ रहते तो ऐसा कभी ना होता। इसने सही कहा, हमें एक साथ रहना था, तुम्हारे बच्चे बच जाते। चलो चलते हैं, तुम भी आ
जाओ अदीला। मैं बहुत में आ जाऊंगी, मैं बहुत बेवकूफ थी, बहुत ही बेवकूफ, बहुत ही बेवकूफ। अदीला ने हिम्मत ना की लोमड़ी से लड़ने के लिए, ना वो हिम्मत कर सकी अपने दोस्तों को अपना मुंह दिखाने के लिए, तो इसने फैसला किया कि वो अब अकेले रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। अदीला, अदीला को हम एनिमल किंगडम में कैसे तकसीम करते हैं? अदीला एक पंछी है जो पैरासेरिफॉर्मस ऑर्डर और कार्वदिया परिवार और पिका पिका प्रजाति से ताल्लुक रखती है। इनकी लंबी पूंछ और काला सफेद कलर ही इनकी पहचान है। इनकी कुल कितनी प्रजातियां हैं और ये कैसे और कहां रहते हैं? मैगपाई यूरोप में पाई जाती है, ये एशिया में भी पाई जाती है और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में और मगरबी अमरीका के कुछ हिस्सों में। ये रहते कैसे है? अदीला आमतौर पर कपल्स में यानी कि जोड़ियों में रहती है। ये अपना घोंसला आमतौर पर जंगलों में बनाती है और अगर शहरों की बात की जाए तो ये अपना घोंसला वहाँ बनाती है जहाँ बहुत सारे पेड़ हो। ये चलते कैसे हैं? ये उड़ने के वक्त अपने पंखों का इस्तेमाल करते अपने पंखों को जोर जोर से हिलाते हैं। ये हिजरत करने वाले परिंदे बिल्कुल भी माने नहीं जाते हैं। ये जहाँ भी अपना घोंसला बनाएंगे ये साल भर बिल्कुल उसी जगह पर रहेंगे। ये खाते क्या है? इनका स्टेबल खाना कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन ये फल बीज गेहूं खाना भी पसंद करते हैं और कभी कभार ये घोंसले वाले पंछियों पर भी हमला कर देते हैं खाने के लिए। आता है पंछी यहाँ पर गाता है पंछी गुस्सा।